सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपका मन आपका औजार है, इसका मालिक बनना सीखें, गुलाम नहीं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जहां सम्मान ना हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए। जो अपमान करे उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2020, दिन गुरुवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 8:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:58 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:38 से 3:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगे। मकर राशि 15 अक्टूबर 2020, दिन गुरुवार, कार्यस्थल पर वेतन में बढ़ोतरिया, पदोन्नति के साथ अभी आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। अपने कपड़ों और व्यवहार से अपने उत्साह और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करें। रिश्ते में चीजें तनावपूर्ण होगी, ऐसे में रिश्ते का टूटना एकमात्र विकल्प हो सकता है। नए मौकों का फायदा उठाएं। आज आप प्रतिबंधक महसूस करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ जीवन का नया अर्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आकांक्षाएं, सपने और आराध्य सभी नया रूप देंगे। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी तथा कोई निवेश संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाएंगे। संतान की विदेश जाने संबंधित कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। घर की महिलाएं अपनी मर्जी से निर्णय न लेने की वजह से नाराज हो सकती है। संयुक्त जीवन में मतभेद हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों द्वारा हुआ भेदभाव मुख्य कारण होगा। पैसों का नुकसान हो सकता है। पूरी जांच करके या रिस्क का विश्लेषण करने के बाद ही पैसों का व्यवहार करें। गोल्ड लोन द्वारा ऋण की प्राप्ति आसानी से होगी। नौकरी में बढ़ोतरी से आर्थिक फायदा खास नहीं होगा। सावधानियां, कभी कभी आपके स्वभाव में क्रोध आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। वसीयत संबंधित मामले उठ सकते हैं। यह समय बहुत ही अधिक धैर्य व संयम से काम लेने का है। शांति के लिए कुछ समय अध्यात्म व धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की, कि आज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। आज आप अपनी सूरत में बदलाव करके आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। आज आप किसी स्पेशल को अपने दिल का हाल बताएंगे, जिससे आपके जीवन के नए चरण की शुरुआत होगी। जीवन का साधारण प्रेम भी अहंकारी आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के लिए झुकना अनिवार्य शर्त है। आज का मंत्र यही है कि अतीत की बंधनों को तोड़कर नए दौर का खुले दिल से स्वागत करें। अपने काम में व्यस्त होने के कारण आप अपने चाह से दूर हो सकते हैं, इसीलिए कुछ नया सोचें और उन्हें अपने करीब लाएं। मूड उदास है तो अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें और जीवन को खुले दिल से जिए। करियर की बात करते हैं, आप अपनी शक्ति और कमजोरी को अच्छे से जानते हैं और लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।
जीवन वास्तव में आपके दृष्टिकोण और मिजाज पर निर्भर करता है। आपकी आज सभी योजनाएं पूरी होगी जिससे आप खुशियों को महसूस करेंगे। नई पहचान बनाने के लिए भी यह चरण शानदार है। एकाग्रता की कमी के कारण आपके काम या शौक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज आप जीवन को लेकर उदासीन हो सकते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अतीत को भुलाकर आप नए मंजिल की ओर बढ़ेंगे। आत्मविश्वास वो चाबी है जिससे आप सफलता के ताले को खोल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास को कम ना होने दें। सेहत की बात करते हैं, आज आप थोड़ी सी थकावट महसूस कर सकते हैं। आज आप घबराए हुए हैं और इसका कारण ढूंढने में भी असमर्थ हैं। आप वजह ढूंढने की कोशिश ना करें, आराम करें और गहरी सांसें लें ताकि आप हर समय अच्छा महसूस करें। यह वक्त गुजरते ही आप फिर से पहले जैसे स्थिरता महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।